शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हैप्पी बर्थडे टू मी, हैप्पी बर्थडे टू ही। हमारे लिए गोपाल से प्रार्थना कीजिएगा लाला जी कि वो अगले जन्म में हमें आपको पापा पुकारने का हक जरूर दे। ऐसा मत बोल बेटा, आपको मीठा खाना मना है ना, हमारे जाने के बाद चीटिंग मत कीजिएगा। माँ की बिहारी इस घर को तुझसे जल्दी मुक्ति दिलाए। अब तो बस 29 दिन रह गए हैं बड़ी दादी, फिर आपको हमसे मुक्ति मिल जाएगी। उमा काकी, भले ही आप हमसे प्यार ना करती हो, लेकिन हमें इतना जरूर पता है कि आप हमसे नफरत नहीं करती। विनती है आपसे, हमारे हिस्से का प्यार भी ऋचा को दे दीजिएगा। जानते हैं कि आप हमारे हाथ से नहीं खाएंगे, इसलिए हम यहां रख दे रहे हैं। हमारे आखिरी जन्मदिन का केक हमारी तरफ से रिचा आपको खिला देगी। नाराज मत हुआ कीजिए, आपकी नाराजगी उन्हें बहुत उदास कर देती है काका, क्योंकि आप उनकी जिंदगी हैं। आखिरी बार काश कि हम आप दोनों की शादी देख पाते, क्योंकि
एक हो जाए, यही तो हमारी आंखों का भी सपना था। अब आप दोनों को हमसे एक वादा करना होगा कि आप दोनों ना एक दूसरे से कभी नहीं लड़ेंगे। राधा माधव की तरह प्रेम की एक नई परिभाषा गढ़ेंगे। मन के आंगन में कैसे उठने लगी दीवारें, दिल की जमीन पे कैसे पड़ने लगी दरारें, मन के आंगन में कैसे उठने लगी दीवारें। पूछते हैं रातों से ये जागते नयन, पूर्ण होगी कामना या लगेगा ग्रहण। कुंडली मिलन, कुंडली मिलन, कुंडली मिलन, कुंडली मिलन, कुंडली मिलन, कुंडली मिलन। हमें किसी से कोई शिकायत नहीं। अगर गोपाल ने हमारे लिए यही तय कर रखा है तो यही सही। अगर गोपाल ने ये तय किया है तो उन्हें भी अपना फैसला बदलना पड़ेगा, क्योंकि मैं उनका यह फैसला मानने से इनकार करता हूं। कोई ना कोई रास्ता, कोई ना कोई उपाय जरूर होगा। मैं तुझे मरने नहीं दे सकता अंजलि, नहीं मरने दे सकता। तुम बिल्कुल मत डरना, मैं हूं तेरे साथ, हम सब है तेरे साथ। मैं तुझे मरने नहीं दूं। मैं भी तेरे साथ हूं सुबोध, हम अंजलि को कुछ नहीं होने देंगे। मैं भी और मैं भी। तू डरना मत, हम सब तेरे साथ हैं, तुझे कुछ नहीं होने देंगे। चल सुबोध, हम इसका कोई ना कोई तोड़ निकालते हैं। चल आ जाओ। ताजी, कोई उपाय ढूंढिए, कोई तोड़ निकालिए, मेरे बच्चे को बचा लीजिए ताजी। अगर आप चाहेंगे तो अंजलि को बचाने का कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लेंगे ताजी। हाँ ताजी, अब आप ही से हमारी सारी उम्मीदें जुड़ी हैं। हम कोशिश करके देखते हैं, शायद एक रास्ता निकल सकता है। आप जो कहेंगे मैं करूंगा, जहां कहेंगे मैं जाऊंगा, बस आप इशारा कीजिए ताऊ जी। हो सकता है ये सही तरीका ना हो, लेकिन इसके अलावा आप कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा। हम सही गलत सब रास्ता अपनाने के लिए तैयार है ताऊ जी, बस मेरी अंजलि की जान बचनी चाहिए। बताइए ताऊ जी, हमें क्या करना होगा? तुम दोनों बाहर जाकर प्रतीक्षा करो, हम देखते हैं क्या किया जा सकता है। Thank you.
आज तक हमने कभी इस विद्या का प्रयोग नहीं किया, क्योंकि कभी कभी ये विद्या बहुत खतरनाक साबित हो सकती है। आज हमारी पत्नी के शर्मनाक कृत्य ने हमें इस कगार पर पहुंचा दिया। अब अंजलि की जान बचाने के लिए हम इस किताब का सहारा लेने पर मजबूर हो गए। आने वाले 17 दिन तक अंजलि को इस घर की बहू बनकर रहना होगा। सत्रह दिन बाद मौनी अमावस्या है। उस दिन किसी सिद्ध गुरु को बुलाकर यश और अंजलि के उल्टे फेरे करवाने होंगे, जिससे ये शादी खारिज हो जाएगी। अगर सब कुछ बिना रुकावट विधि पूर्वक पूरा हो गया तो अंजलि की मौत को टाला जा सकता है। अंजलि, कुछ नहीं होगा। ताहू जी, आपने सिर्फ अंजलि को ही नहीं हमें भी बचा लिया। हाँ ताहू जी, अगर अंजलि को कुछ हो जाता तो हम खुद को कभी माफ नहीं कर पाते। लेकिन तुम्हें एक बात का विशेष ख्याल रखना होगा, मौनी अमावस्या से पहले के ये 17 दिन अंजलि पर बहुत भारी है। जब तक उल्टे फेरे नहीं हो जाते और ये शादी खत्म नहीं हो जाती, अंजलि पर मौत का साया मंडराता रहेगा। इसलिए मौनी अमावस्या तक अंजलि का बहुत विशेष ख्याल रखना होगा। यदि इन 17 दिनों में अंजलि बच गई तभी कुछ हो सकता है, वरना अंजलि की मौत को कोई नहीं टाल सकता।
पापा? सुबोध, लाला जी। सुबोध, तुम्हें आराम की जरूरत है। अगर तुम ठीक नहीं रहोगे तो अगले 17 दिन तक अंजलि का ख्याल कौन रखेगा? हमें आज से उल्टे फेरे की तैयारी शुरू करनी होगी और ये विधि मौनी अमावस्या के दिन आधी रात को होगी। बड़े दादू, क्या उल्टे फेरे करने से हमारी और यश जी की शादी खारिज हो जाएगी? हाँ, अगर 90 दिन से पहले ये शादी खारिज हो गई तो यश जी का कुंडली दोष नहीं मिट पाएगा ना? नहीं, उल्टे फेरे के बाद यश का कुंडली दोष ज्यों का त्यों रहेगा। मतलब यश जी और ऋचा की शादी नहीं हो पाएगी? नहीं बड़े दादू, फिर हमें नहीं लेने ही उल्टे फेरे। ये तो क्या कह रही है अंजलि, पागल हो गई है क्या? नहीं ऋचा, हम ऐसा नहीं कर सकते। अंजलि, तुम कैसी बातें कर रही हो? समझने की कोशिश कर। तुम्हें क्या लगता है, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो क्या ऋचा और मैं कभी शादी कर पाएंगे? कम से कम आप दोनों की शादी के बीच से सारी बाधाएं तो दूर हो जाएंगी। और गोपाल ने चाहा ना तो एक दिन आप दोनों की शादी भी हो जाएगी। लेकिन अगर ये उल्टे फेरे लेने के बाद आपका कुंडली दोष वैसे का वैसा रहा तो सारे रास्ते बंद हो जाएंगे। नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते बड़े दादू। गोपाल ने हमारे लिए जो तय किया है हमें वही मंजूर है। हमारा सपना था यश जी और ऋचा की शादी देखें। क्या पता दुनिया छोड़ने से पहले गोपाल सपने में ही हमारा सपना पूरा कर दे। ऐसा मत बोल अंजलि। अपने बेटे के कुंडली दोष को दूर करने के लिए मैं तेरी बलि तो नहीं चढ़ा सकता ना? काका, हमें आपने या किसी और ने थोड़ी ना कुछ कहा है। हम तो ये अपनी मर्जी से करना चाहते हैं। बस कर अंजलि, समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे प्यार में कौन सी कमी रह गई जो तू इतनी बड़ी सजा मुझे दे रही। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं लाला जी? आपने आपने तो हमें अपने सगे पिता से भी बढ़कर प्यार दिया। अगर सगे पिता सा प्यार दिया है तो सोचना बेटा, तो मेरे सामने अपने जान लेने की बात कर रही है तो से बर्दाश्त कर पाऊंगा मैं अगर तुझे कुछ हो गया? जी पाऊंगा मैं उस आखिरी मौके को? मत छीन मुझसे ये मौका, मुझे दे दे बेटा। मान ले ताऊ जी की बात। बेटा, तूने अपने काका का कहा कभी टाला नहीं है ना? हाँ, देख, सुबोध सही कह रहा है। हम सबको प्रायश्चित करने का एक मौका दे दे। अगर इस सच्चाई के बारे में हमें पहले से पता होता तो हम ऐसा कभी नहीं होने देते। काका, आप समझ ही नहीं रहे। बस अंजलि, अब तुम्हें हमारी बात माननी होगी। सिद्ध मत कर अंजलि, हमारे लिए हाँ कर दे, वरना हम जिंदगी भर खुद को माफ नहीं कर पाएंगे।
पापा, लाला जी, पानी, क्या क्या हुआ? छोटी दादी पानी, लाला जी, पानी पिला। पानी है बेटी, वरना मैं जी नहीं पाऊंगा। बाबा, लाला जी, हाँ लाला जी, हाँ, हम तैयार हैं उल्टी करने के लिए, हम तैयार हैं। हमें तुरंत निकलना होगा, समय बहुत कम है। बिना समय जाया किए मुझे अभी आश्रम के लिए निकलना होगा। वहां जाकर के ध्यान तपस्या करनी होगी और मौनी अमावस्या के दिन होने वाले सारे विधि विधान के बारे में जानकारी लेनी होगी। उसके परिणाम, उसके दुष्परिणाम सब जानने होंगे। हम मौनी अमावस्या से पहले यहां पहुंच जाएंगे, लेकिन उससे पहले तुम सबको आगाह कर रहे हैं कि तुम सबकी जिम्मेदारी है कि अंजलि सुरक्षित रहे। आज मेरी तरफ से एक नया ऑफर है, जितने का वादा किया था ना उससे डबल का ऑर्डर दूंगी अगर तुम दोनों मेरा साथ दो तो। करना क्या है? अंजलि का ख्याल रखना, हम दोनों को साथ करने के लिए वो कुछ उल्टा सीधा कर बैठे। यार कहाँ लेकर जा रहे हैं आप यश जी? रुक जाइए यश जी, क्या कर रहे हैं? तुम्हें उस कमरे में अकेले नहीं सोने दूंगा, इसलिए तुम मेरे साथ मेरे कमरे में सोओगी।